What's up, ladies and gentlemen? How are you doing? This is Rapper Mary, and I'm back here again to talk about something really, 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 really important. And today's topic is going to be about something very amazing, which is फरवरी जा चुका है, मार्च आ चुका है, तो बेसिकली मतलब प्यार प्यूर वाली सारी चीजें निकल चुकी है, लव इज इन द एयर खत्म हो चुका है, और उसके अलावा बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स जो निब्बा निब्बियों ने मिलकर एक दूसरे के साथ गाए होंगे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ होगा? अब हुआ होगा ब्रेकअप, और ब्रेकअप जब होता है तो उसके बाद बंदे हो जाते हैं बहुत सारे सैड, बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस। लेकिन वो सबसे बाहर निकलने के लिए मेरे से एक अमेजिंग बंदा जो बहुत हंसता है और हंसाते आगे कच्ची बात कर आगे बउआ बोल रहा है। एनीवे तो मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा हंसता है वो आपको हंसाने के लिए फिर से यहाँ पर आ चुका है। और इसके अलावा आई एम गोना गिव यू 10 पॉइंट्स हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ब्रेकअप। सो बने रहिए मेरे साथ, चेक आउट द होल वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी होता है ना, हो सकता है वो करना जरूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लड्डूस एंड गेवर्स, माय एडोरेबल एंड मैड आर्मी, निब्बा एंड निब्बी, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड आई होप कि अगर आप इसको ज्यादा बढ़ा पाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो टॉपिक है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ब्रेकअप, 10 पॉइंट्स फॉर दैट। सो बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि यार बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप होते हैं, दे रियली फील हार्ट ब्रोकन एंड स्टफ लाइक दैट, बट उससे बाहर निकलने का क्या तरीका होता है। मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत ही जबरदस्त किस्म के भयानक ब्रेकअप से बाहर निकला था, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ, एंड आई होप यू लाइक देम, और उससे आपको ज़रा भी फायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कोई रेमेडी नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद आपका दिल हल्का हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे। तो अपने हार्ट ब्रोकन फ्रेंड से ज़रूर से शेयर करें। तो आज की पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ बहुत अमेजिंग है, उसमें है सबसे पहला म्यूज़िक। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार म्यूजिक सुनने से बहुत पेन हील हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक इज अ हीलर, एंड एब्सोल्युटली म्यूजिक इज अ हीलर। बट लोग क्या गलती कर बैठते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, और जो सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, सैड सॉन्ग सुनने से क्या होता है मेरे भाई, और ज्यादा सैड आप महसूस करते हैं। तो आप जब सैड हैं या डिप्रेस हैं या कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो खुशी वाली चीजों की तरफ मूव करें, अच्छी चीजों की तरफ मूव करें, जो चीजें आपको हैप्पी करती हैं उसकी तरफ मूव करें। तो ये पहला पॉइंट था, म्यूजिक सुने, हैप्पी म्यूजिक सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, थोड़ा डांसिंग म्यूजिक सुने, ताकि आप अपने उस थॉट से जिसमें आप एंटैंगल्ड हैं या जिस बिलवड के बारे में सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकले, और कोशिश करें कि वो गाने अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको अपने बिलवड या अपने एक्स बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड नेक्स्ट हस्बैंड की याद आ रही है, जिसमें जो भी है व्हाटएवर। हाँ, सो म्यूजिक इज अ हीलर। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू क्या है, एन एक्टिविटी। यू हैव टू फाइंड एन एक्टिविटी व्हिच इज सुपर्ब फॉर यू। सीरियसली, व्हेन आई से एन एक्टिविटी, इट डजंट मीन कि यार आप जिम को इससे मिला दो, उससे मिला दो, नहीं नहीं यार, एक्टिविटी अलग है, जिम अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, सब कुछ चीजें अलग अलग है। बिकॉज अच्छा, एक ये चीज जो मैंने आपको बताई है सेकेंड पॉइंट के अंदर, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी ढूंढनी, एक्टिविटी से क्या होता है यार, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें क्रिएटिव एस्पेक्ट अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं है तो फाइंड आउट कीजिए कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट ढूंढने के लिए, ताकि आप किसी चीज़ को बना पाएं। जैसे ही आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और क्रिएट करते हैं उस चीज़ को, तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपके ब्रेन कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छा रंगीन वाली चीज़ें निकालता है जिससे आपको अच्छा लगता है। तो हाँ, ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आप क्रिएटिवली एक्टिव हो जाएं, और उसकी वजह से आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लगे, और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये मैंने बनाया, तो वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो, अगर नहीं बनाया होगा तो नहीं मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट, बट देन यू विल फील गुड बिकॉज यू डिड समथिंग। सो दैट्स अबाउट इट, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अक्सर लोग कहते हैं एक्टिविटी के साथ जिम भी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, एक्टिविटी को जिम के अंदर ही मिलाना है। मैंने इन टॉपिक्स को और इन पॉइंट्स को अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन ये कि यार जिम आपकी बॉडी के लिए, अगर आपकी बॉडी अच्छा महसूस करेगी तो आप नेचुरली अच्छा महसूस करोगे, अच्छा दिखोगे, अच्छा सोच पाओगे। अ वाइज मैन वंस सेड, ड्रिंक गुड, ईट गुड, एंड आई नो लिव गुड, दैट्स अबाउट इट। तो अब ड्रिंक गुड, ईट गुड और लिव गुड के अंदर ये पॉइंट आता है कि आपकी बॉडी आपका टेम्पल है, तो आप इसकी पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे इसे, तो बेहतर चीज़ें हो पाएंगी और आप इंजॉय कर पाएंगे चीज़ों को लंबे दौर तक, और दैट्स अबाउट इट। सो जिम या आपको कोई ना कोई फिजिकल ट्रेनिंग, फुटबॉल, गेम्स वगैरह कुछ ना कुछ जरूर करना जिससे आप बिजी रहें। जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे उतना जल्दी आप पुरानी थॉट से बाहर निकलेंगे। और अगर आपने नोटिस भी किया हो तो अगर आप ब्रेकअप के दौरान चल रहे हैं तो उस दौरान ये होता है कि आप जैसे ही आइडल बैठते हैं आपको पुरानी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं, तो उन चीज़ों में नहीं जाना है। क्या समझे? नहीं जाना है। सो कीप योरसेल्फ बिजी। नंबर फोर पे आते हैं, नंबर फोर पे हॉबी, एक हॉबी होनी चाहिए। अच्छा, एक्टिविटी अलग बता दिया मैंने,
हॉबी अलग बताए और जिम अलग बताए, तो आप इनको मिला नहीं सकते, ये तीनों चीजें अलग अलग करनी है, ठीक है। अच्छा, हॉबी के साथ क्या होता है, हॉबी लोग सोचते हैं कैंडी क्रश खेल लेते हैं घर पे, ठीक है, प्ले स्टेशन खेलते हैं, ये हॉबी नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। हॉबी का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसी और को फायदा हुआ, या आपको अच्छा महसूस हुआ, या आपकी बॉडी ने कहा कि यार चलो हमने कुछ बढ़िया काम किया है। कुछ ऐसी हॉबी होनी चाहिए, जैसे कि जब एक आर्टिस्ट कोई पेंटिंग करता है या कुछ करता है तो कुछ बनाता है और लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसकी आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो उस तरीके से आपकी एक हॉबी भी होनी चाहिए जो हॉबी आपकी है सिर्फ, जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करती है। पुराने टाइम में अक्सर लोगों के पास एक हॉबी होती थी जो उन्हें डिफरेंट करती थी, कुछ लोग सिक्के कलेक्ट करते थे, कुछ लोग स्टैम्प पेपर कलेक्ट करते थे, सो लॉट ऑफ थिंग्स, एंड पीपल हैव स्टॉप डूइंग दैट। एंड आपको शायद पता नहीं हो, ये बिजनेस टर्म पे और बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बड़ी खास चीज़ है कि अगर आप ऐसी एंटीक चीज़ों को ढूंढ के रखते हैं या रखते हैं तो ये कलेक्शंस कई कई करोड़ों में बिकते हैं कभी बार। तो अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी ढूंढिए जो आपको सारी दुनिया से अलग कर सकती है। बोलने से यूनिक नहीं बनता बंदा, करने से यूनिक बनता है। तो अगर आप ये कहने भी पसंद करते हैं कि आई एम सो यूनिक एंड आई एम सो डिफरेंट, बोलिए मत, करके दिखाइए। विद दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नंबर 5। और नंबर 5 पॉइंट पे क्या है, अटेंडिंग इवेंट्स। अब आप बोलोगे पार्टियों में तो मैं रोज जाता हूँ, ये सब वो सब फलाना ढिमकाना, नहीं नहीं नहीं, पार्टियों में नहीं जाना है, वो पार्टियों की बात नहीं हो रही। अटेंडिंग इवेंट्स विच आर नॉट यूजुअल फॉर यू, जैसे कि अगर आप पेट्स पसंद करते हैं तो डॉग इवेंट्स में जाइए, डॉग तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब फोर लेगेड ब्यूटीफुल क्रिएचर वाले उसमें जाइए, या फिर आप फूड ब्लॉगिंग इवेंट्स पे जाइए, डिफरेंट इवेंट जो आप यूजुअली अटेंड करते हैं उनसे डिफरेंट, या फिर कोई एनजीओ ने इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कराया तो वहां जाइए, महसूस करेंगे आप अच्छी चीजें महसूस करेंगे। और कोई भी इवेंट बेसिकली जो आपके रेगुलर सिनेरियो रेगुलर लाइफ में नहीं होता है उसको अटेंड करने की कोशिश करिए, मे बी यू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट, एंड एनीथिंग न्यू यू विल लर्न यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट योर ब्रेन इनटू इट। सी द आइडिया ऑफ टेलिंग यू दीज पॉइंट्स इज यू हैव टू कीप योर ब्रेन बिजी। ब्रेन को बिजी रखना बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर हम जब स्प्लिट्सविला में भी होते थे तब भी वहां पर भी एक लाइन बहुत चलन था जिसका बोलते थे इट्स ऑल इन योर माइंड। सो अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आधी चीज तो वैसे ही कंट्रोल हो गई। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो मैंने दिया है आपको, इसके लिए आप मुझे 50,000 रुपये भेज सकते हैं मेरे अकाउंट पे अगर आपको पसंद आए तो, बट अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, रंगीनियां फैला रहे हैं, मजे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विद दैट बीइंग सेड, पांचवें पॉइंट में मैंने बताया कि भाई आप ऐसे इवेंट्स अटेंड करिए जो आप यूजुअली अटेंड नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली ये करना है कि पैम्पर योरसेल्फ। अब यूजुअली लड़कियां जब पैम्पर करती हैं तो वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर, आजकल तो लड़के भी करा लेते हैं, तो फिर मतलब लड़के भी ब्यूटी पार्लर ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। बट एनीवे, मेरा पॉइंट वो नहीं था, पैम्पर योरसेल्फ। पैम्पर योरसेल्फ से मेरा मतलब ये नहीं कि यार आप सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाएं, अपने आपको ब्यूटीफुल दिखाएं या ऐसी चीजें करें, ये भी करें, बिल्कुल करें, लेकिन दूसरी तरह से भी कुछ ना कुछ करें, जैसे कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करें जो आपके दिल को बहुत अच्छा महसूस कराती हो। पैम्पर योरसेल्फ का मतलब केवल ये नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं और वहां जाके अपना कुछ करवा रहे हैं, या मसाज पार्लर जा रहे हैं ऐसा करके, या स्पा करने जा रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट जो आपको महसूस कराए बिल्कुल रिलैक्स्ड। यू कुड गो फॉर अ मेडिटेशन थिंग, यू कुड गो फॉर समथिंग डिफरेंट विच इज लाइक गोइंग अवे फ्रॉम द सिटी अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड बट नॉट दैट फार। बेसिकली कोई भी स्ट्रेस वाला काम नहीं करना है। और मैंने जैसा कि बताया, पहले भी बोला है मैंने इस चीज को कि अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रखना है। सो पैम्पर योरसेल्फ के अंदर आप अपने आप को ऑब्वियसली मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह जा सकते हैं, बट वैसे ही कुछ और भी चीजें करें जो यूजुअली आप नहीं करते हैं। सो दैट विल मेक योर माइंड occupied, so keep doing that and आगे बढ़ते हैं इसके बाद number seven point पे क्या बोलता है, get on a freaking date site if you're not out of it and if you really want to get out of it, right? You have to get out of everything what you have been doing, okay? तो अगर आप आपका relationship end हो चुका है और आपको लग गया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अब आप आ जाएं जरा डेटिंग साइट्स पे। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, एंडोर्स नहीं कर रहा, और मैं किसी भी डेटिंग साइट को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी जगहों पे आइए, यहाँ पर आप आएंगे, नए लोग मिलेंगे, कुछ दोस्त बनेंगे, कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ बुरे बनेंगे, वो आपकी मर्जी है, पता नहीं कैसे आप टेस्ट करते हैं लोगों को, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेटिंग साइट्स पे आइए, नए लोगों से मिलिए, बातें करिए, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा, कुछ नया महसूस करेंगे, कुछ नई बातचीत शुरू होगी, और हर एक अंत के बाद एक शुरुआत होती है, तो फिर डेटिंग साइट्स पे आइए। एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ किसी को भी, तो ऐसा नहीं है, नहीं तो यहाँ पर अब तक ऐड आ जाता कि यू नो मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, देखो और मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और मैं अमीर हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। सो डेटिंग साइट्स पे जाइए और ट्राई टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ एंड
try to find people who don't know stuff about you and still give you a good opinion about how they feel about you. Not exactly judging about you, but then tell them the story, see what people react to, and इससे दो चीज़ें होंगी, आपको अपनी गलती महसूस हो जाएगी और उधर की साइड पर अगर कुछ है तो वो भी महसूस हो जाएगा. मिलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ताकि आपको पता चल सके कि what are the grounds, what exact reality you are living in. Number eight पे पहुँचते हैं, यानी कि अब ये क्या बंदा कहता है भाई. नंबर एट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी गेट अ हॉलीडे, है ना. तो हॉलीडे अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको पुरानी चीज़ों के बारे में याद दिलाए. अकेलापन में नहीं होनी चाहिए वो हॉलीडे. हॉलीडे अपने फ्रेंड्स के साथ होनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए, जो मतलब आपके खास दोस्त हैं उनके साथ होनी चाहिए, बट अकेले नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप अकेले कर रहे हैं काम तो आपको और ज़्यादा याद आएगी. बहुत सारे लोग बोलते हैं सोलो ट्रैवलिंग बहुत अमेजिंग है, एब्सोल्युटली अमेजिंग है, बट सोलो ट्रैवलिंग एक चीज़ आपको पक्के तौर पर याद दिलाती है कि यू नीड समबडी इन लाइफ. और ये आपको वही बताएंगे जो बहुत टाइम से सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वो जब बहुत ब्यूटीफुल जगहों पे होते हैं तो वो शेयर करना चाहते हैं अपनी बात अपने बिलवड से या किसी से. एंड दैट्स हाउ इट इज. सो गेट अ हॉलीडे विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली मेंबर्स. दैट्स राइट, गेट अ हॉलीडे. नंबर नाइन, ये जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत खतरनाक है बट बहुत जरूरी है. नो ड्रिंकिंग. अब आप बोलोगे यार ड्रिंक करे बिना कैसे होगा यार काम, हम तो बहुत बेवड़े हैं, बचपन से बेवड़े, हम तो दारू पीते पीते बड़े हुए, हमने तो पानी की जगह भी दारू ही पीती यार. ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ड्रिंकिंग वगैरह से दूर रहें उस दौरान, क्योंकि जब आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो आपके इमोशंस एग्जैजरेट हो जाते हैं और इमोशंस बहुत फूट फूट के बाहर निकल होता है, फूट फूट के, जैसे आंसू रो रो के फूट फूट के, क्या बोलते हैं, फूट फूट के रो रहा था जैसे बोल रहा है. तो ड्रिंकिंग करने के बाद आपके इमोशंस बहुत हाई पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद यू टेंड टू टेक डिसीजन व्हिच आर नॉट गुड फॉर यू एंड दे कीप यू डिप्रेस. एंड जब आप ड्रिंक करते हैं हैंगओवर आता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट डे भी खराब हो जाता है और आप नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं कर पाते. सो बेसिकली इफ यू ड्रिंकिंग टू मच और इफ यू डूइंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और ड्रग्स, इट्स गोना रुइन द थिंग्स अप. सो इन दैट सिनेरियो अगर आप ऐसी कोई चीज करते हैं तो ना करें, थोड़ा सा रोकें अपने आप को, एंड आई थिंक यू विल टच द बेस विद द रियल लाइफ around you and that will make you feel happier, and that's about it. So no drinking. Number 10 point kehta hai love joins love breaks. So ho sakta hai ki yaar ab jo ho gaya wo ho gaya aur aapne kaha ki bilkul ki bhai ab to jo hai ki main kabhi pyar mein nahi padunga ye sab usse falana dimkana. Boss listen, aisa hai, this earth is all made out of love. Aap kisi ped se agar fal lete hain to wo fir se fal ugte hain usme aur fir se aapko mauka milta hai un falon ko khane ka. With that being said, agar aapko pyar ne toda hai ya प्यार की वजह से आप टूटे हैं तो प्यार की वजह से आप जुड़ेंगे भी. इसलिए प्यार होना बहुत जरूरी है और प्यार जरूर करें. लेकिन एक बात है कि प्यार को अक्सर लोग बदनाम करते हैं, लेकिन प्यार खराब चीज नहीं है, प्यार करने वाले खराब चीज करके जाते हैं. सो इस बात को ध्यान रखिएगा, लव जॉइंस लव ब्रेक्स. अगर प्यार ने आपका दिल तोड़ा है तो प्यार ही आपका दिल जोड़ेगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, प्यार ही आपको वापस बनाएगा. अगर प्यार ने आपका दिल तोड़ा है तो प्यार ही आपका दिल जोड़ेगा, बात को ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से इस पर काम करने की कोशिश करिएगा. नए लोगों से मिलेंगे तो प्यार से मिलिए और उम्मीद करता हूँ कि उनमें भी आपको थोड़ा प्यार दिखे और वो भी आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करें. तो लव ब्रेक्स लव जॉइंस. ऑलराइट, अब एक बोनस पॉइंट है मेरे पास. तो मैंने कहा कि एक नहीं, एक्चुअली दो बोनस पॉइंट है. दो बोनस पॉइंट में क्या कहते हैं, फॉरगिव. अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं उसे मजा चखाऊंगा, मैं उसे मजा चखाऊंगी, ये सब करेंगे और ऐसे सोचते सोचते ना वो ऐसी ऐसी गड़बड़े कर बैठते हैं जिससे वो अपने आपको ऐसी ट्रबल्स के अंदर डाल लेते हैं जिससे और ज्यादा वो परेशान होते हैं. तो मतलब वो चैप्टर जो एक महीने के या दो महीने के या तीन महीने के अंदर खत्म होने वाला था वो एक साल तक खिंच जाता है और कई कई बार रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो टॉपिक बहुत लंबे एपिसोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही लंबी सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, फॉरगिव. द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कैन फॉरगिव, द वीक पीपल फाइट फॉर इट. सो आप मेरे इस पॉइंट से डिफर कर सकते हैं, लेकिन फॉरगिविंग में सबसे अच्छा महसूस करेंगे आप. अगर आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो ये ताकत दिखाता है आपकी और ये दिखाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं. और याद रखिए, गलत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुदा की अदालत में, रब की अदालत में और भगवान की अदालत में किसी की सिफारिशें नहीं चलती. सो फॉरगिव. एंड नंबर 12 पॉइंट, यानी कि मतलब बोनस पॉइंट का सेकंड वाला पार्ट, मतलब पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसे. हाँ, नो मैन इज योर फ्रेंड, नो मैन इज योर एनिमी, एवरी मैन इज अ टीचर. तो अगर कोई आपके साथ था किसी लंबे टाइम के लिए और वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है तो उसको रोक के भी कोई फायदा नहीं, लेकिन जो भी आप उससे सीखें उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें. और जरूरी नहीं कि आप यार जिसके साथ आप थे इतने लंबे टाइम, हो सकता है वो खराब ना हो व्यक्ति, पर किसी वजह से ना आपके पास रह पाया हो. बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं, कोई मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन चेरिश कीजिए उन मोमेंट्स को, आगे बढ़िए और बेहतर चीज़ों को बनाइए और बेहतर चीज़ों को आप क्रिएट करिए.
and that's about it. What's gone is gone. There's a reason why it's called X. X matlab पीछे जा चुका, once over and is over. और बहुत सारे लोग tend नहीं करते हैं कि यार, you know, अपने exes से बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत एक खास चीज़ मैं बता देता हूँ. अगर आप पुरानी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, तो नई चीज़ें कभी हो नहीं पाएंगे. तो that's about it. अगर आप नए सिरे से start करना चाहते हैं, तो पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा. And with that being said, ये वीडियो यहीं तक थी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज्वाइन जो भी होता है ना वो सब कर देना यार, मुझे बड़ा अच्छा लगे. प्लीज प्लीज कर देना. और मेरी तरफ से अच्छे कंटेंट है, बउआ भी बोलेगा कि प्लीज कर देना. और प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा. और अगर आपके किसी फ्रेंड का हार्ट ब्रेक हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है, तो उससे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. आई होप ये वीडियो किसी को हेल्प कर पाए. मेरा ये वीडियोज बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा ये वीडियोज बनाने का मकसद ये कि मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जिनके मन में ये सवाल हों या ये बातें हों, या हार्ट ब्रेक से ट्रैवल कर रहे हो या हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहे हो, तो यू नो दे कैन चेक दिस वीडियो आउट एंड फील अ लिटिल बेटर एंड फील अ लिटिल गुड. सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. पीस आउट.